नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लगभग सभी एग्ज़ामों में नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सभी प्रश्न हल करना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपसे जो भी प्रश्न आएगा नदियों से संबंधित, वह आप पर 100% एक्यूरेसी के साथ बन सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना कर दो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गंगा नदी की। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और यह सबसे प्रमुख नदी और सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। कहाँ से? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है और यह लगभग 2525 किलोमीटर तक प्रभावित होती है, यानी कि इस गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और दोस्तों, यह अंत में कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि दोस्तों गंगोत्री उत्तराखंड से निकलकर यह बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है वह अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। दोस्तों, यह जो नदियां हैं, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं गंगा नदी की सहायक, लेकिन प्रमुख नदियां इतनी ही यहीं पर हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इनको ही आपको याद करना है, बाकी को याद नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अगली नदी देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली नदी है यहाँ पर यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में एक बंदर पूंछ नामक एक पर्वत है, जहाँ पर यमुनोत्री हिमनद यानी यमुनोत्री ग्लेशियन से यह नदी निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में बंदर पूंछ नामक एक पर्वत है जहाँ पर यमुनोत्री एक ग्लेशियन है। कहाँ पर? यमुनोत्री ग्लेशियन है जहाँ से यह इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। दोस्तों, इसकी लंबाई है 1365 किलोमीटर। दोस्तों, किसकी? यमुना नदी की लंबाई है 1365 किलोमीटर। और दोस्तों, यह इलाहाबाद में गंगा नदी में के से संगम हो जाता है, यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वह है चंबल, बेतवा, गिरी और कैन। दोस्तों, यह चार नदियां हैं जो कि यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली नदी जान लेते हैं। अगली नदी है यहाँ पर दोस्तों घाघरा नदी। दोस्तों, इसका उद्गम होता है कहाँ से? तिब्बत से होता है। कहाँ से? तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों, इसकी लंबाई है यहाँ पर 1080 किलोमीटर। और दोस्तों, यह छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि दोस्तों तिब्बत से निकलकर यह छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों, इसकी सहायक नदियां हैं राप्ता, शारदा और छोटी गंडक। इसकी यह प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली नदी पर। यहाँ पर अगली नदी है दोस्तों सोन नदी। दोस्तों, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, वह अमरकंटक पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक है जो अनूपपुर ज़िले में पड़ता है, और यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, यह 780 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। और दोस्तों, इसका अंत होता है, यह दोस्तों पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर पटना के निकट गंगा नदी में, यह गंगा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों, सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं वह महानदी, रिहंद और घाघर। यह तीन प्रमुख नदियां हैं जो कि सोन नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली नदी यहाँ पर देख लेते हैं, बेतवा नदी। दोस्तों, अगली नदी है बेतवा नदी। दोस्तों, इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। दोस्तों, यह भी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक हमीरपुर के पास यह यमुना नदी में मिल जाती है। और दोस्तों, बेतवा नदी की दशा नदियां हैं, बेतवा नदी की सहायक नदियां दशान नदी और बीना नदी, दो प्रमुख नदियां हैं जो कि बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, अगली नदी है यहाँ पर चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम भी कहाँ, मध्य प्रदेश से होता है, और इसकी चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर, और दोस्तों यह इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यह भी कहाँ पर, यमुना नदी में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश से चलकर यह उत्तर प्रदेश में इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसका कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और दोस्तों चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा और दूधी नदी, जो कि प्रमुख नदियां हैं चंबल नदी की सहायक। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली नदी है यहाँ पर गोमती नदी। दोस्तों गोमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से होता है, और दोस्तों इसकी लंबाई टोटल है 940 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई 940 किलोमीटर है, और दोस्तों यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, यानी पीलीभीत जनपद से निकलकर गाजीपुर के निकट गंगा नदी में यह मिल जाती है। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं जोमकाई, बरना और सई, यानी गोमती नदी की तीन ही प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनके नाम हैं जोमकाई, बरना और सई। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है यहाँ पर राम गंगा नदी। दोस्तों राम गंगा नदी का उद्गम कहाँ, उत्तराखंड के दूधा तोती पर्वत से होता है, उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से इसका उद्गम होता है, और दोस्तों इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी, 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और दोस्तों यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, कन्नौज के निकट गंगा नदी में समावेत या मिल जाती है। दोस्तों इसकी एक ही सहायक नदी है जो कि प्रमुख है, कोह नदी। दोस्तों नदियों की सहायक नदियां बहुत सी होती हैं, लेकिन मैं जो नदियां आपके लिए बता रहा हूँ यह प्रमुख प्रमुख नदियां ही आपको बताई जा रही हैं दोस्तों, इसलिए गंगा नदी की एक ही प्रमुख नदी है जो कि कोह नदी है, यह सहायक नदी है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है यहाँ पर गंडक नदी। दोस्तों इसका उद्गम होता है तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित एक धौलागिरी पर्वत है, जहाँ से गंडक नदी का उद्गम होता है, और दोस्तों इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 300 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है, बाकी यह दोस्तों नेपाल और तिब्बत में बहती है। दोस्तों यह भी पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ, पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, और दोस्तों इसकी सहायक नदी त्रिशूली गंगा है, एक ही सहायक नदी है त्रिशूली गंगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगली नदी है दोस्तों यहाँ पर राप्ती नदी। दोस्तों राप्ती नदी का उद्गम होता है कहाँ से, नेपाल से होता है राप्ती नदी का उद्गम, और यह 600 किलोमीटर लंबाई, इसकी लंबाई कितनी, 600 किलोमीटर है, और दोस्तों यह बारहंस के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है, कहाँ, बार हस के निकट घाघर नदी में मिल जाती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, अगली नदी है यहाँ पर शारदा नदी, या फिर इसी को बोला जाता है दोस्तों काली नदी। शारदा नदी को दूसरा नाम क्या है, काली नदी। दोस्तों इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में होता है, इसका उद्गम कहाँ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट, तिब्बत सीमा के निकट इसका उद्गम होता है, और दोस्तों इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और दोस्तों यह बहराम घाट के निकट घाघर नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं सरयू, पूर्वी रामगंगा, दाहर और सोहेली। दोस्तों इसकी चार प्रमुख नदियाँ हैं जो कि सहायक हैं, शारदा नदी की सरयू, पूर्वी गंगा, दाहर और सोहेली। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना मध्य उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनके बारे में। दोस्तों इनसे बनने वाले प्रश्न आपको एक भी मिस नहीं होगा, यदि आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप पर हर प्रश्न बनेगा नदियों से संबंधित। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने शिक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।